ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और अलग अलग राज्यों में जांच का दायरा बढ़ाया गया है, लेकिन इन सब के बीच केस में नया मोड़ आता नजर आ रहा है, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ कहना है कि इस मामले में वो आरोपित नहीं है, बल्कि आरोपित वो हैं जो इस समय धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। ब्रजभूषण ने इस केस का रुख मोड़ने के लिए कई बार ऐसे बयान दिए जिसको सुनकर हर कोई चौंकन्ना हो गया था, क्योंकि ब्रजभूषण ने साफ ये कहा था कि जो कुछ भी महिला पहलवान आरोप लगा रही है, इनको स्क्रिप्ट मिली हुई है कुछ उद्योगपतियों के द्वारा और इनको पैसे मिल रहे हैं, फंड किया जा रहा है धरना प्रदर्शन ताकि यहाँ पर इनका नाम बदनाम किया जा सके। लेकिन इन्हीं सब के बीच यहाँ पर तमाम बातें ये भी निकल कर सामने आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहाँ पर तमाम खुलासे इस बात को लेकर भी किए थे कि बाबा रामदेव से लेकर यहाँ पर तमाम बड़े उद्योगपति उनके पीछे, क्योंकि कई समय पहले बाबा रामदेव के कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ बदनामी कर दी थी। लेकिन इस केस में नया मोड़ क्या है ये जान लीजिए। दरअसल ये बात निकल कर सामने आ रही कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे थे उन आरोपों को मैच करने के लिए जब ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ की गई तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो महिला पहलवानों ने तारीख बताई थी उन्हीं तारीखों को लेकर अपने कुछ अलग जगहों पर मौजूद रहने की बात कही है। जी हाँ, जैसे मानिए कि एक तुर्की के कंपटीशन को लेकर चर्चा थी कि जब तुर्की गए थे तो वहां पर आरोप लगा था कि ब्रजभूषण तो वहां पर होटल के कमरे में ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे, लेकिन महिला पहलवानों का खुलासा यह था। लेकिन ब्रजभूषण के समर्थक और ब्रजभूषण का यह कहना था कि जो ये आरोप लगा रहे मैं तो उस तारीख को वहां मौजूद ही नहीं था, अब चेक कर लीजिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस केस का पूरा रुख ही मोड़ दिया अपने इस बयान से। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि महिला पहलवान जो आरोप लगा रहे अगर इनके पास कोई फोटो वीडियो या इनको तारीख तक पता है कि इनके साथ कब मैंने किया तो ये बता दे और मैं अपनी गिरफ्तारी करवाने के लिए तैयार हूं। तो ये केस में नया मोड़ आता नजर आ रहा है जहां पर जो महिला पहलवान के बयान थे और ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान थे जो दोनों को मैच किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के इस मामले में कई हद तक कॉन्फिडेंस और पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन अब सबूत के आधार पर सारी जांच निर्भर करते हैं, देखते हैं क्या सबूत हाथ लगता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।